स्वागत है आप सभी का बानी पीसीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में। आप सभी को पता होगा कि अरब सागर कहाँ पे पड़ता है। ये जो दक्कन का प्रायद्वीप है, दक्कन के प्रायद्वीप के पश्चिम में जो है अरब सागर पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी द्वीप होते हैं अरब सागर में भारत को लेकर, उतने द्वीप पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपको जो है सभी द्वीपों के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह, उसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज जानेंगे। उसके बाद कुछ और अन्य द्वीप हैं जो गुजरात के तट पर है, मुंबई के तट पर है, उसके बाद जो है कर्नाटक के तट पर है, उन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में, जिसमें जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की जो है राजधानी जो है कवारत्ती है। क्या दोस्तों? इसकी राजधानी जो है कवारत्ती है, और कवारत्ती जो है खुद एक द्वीप है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो है कवारत्ती द्वीप है, ठीक है। बात करें तो यह कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि केरल पड़ता है। केरल राज्य, जो केरल राज्य पड़ता है उसके तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। उससे जो है 220 किलोमीटर दूरी पर यह पड़ता है लक्षद्वीप समूह, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें इसका पूर्व नाम क्या था लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप नाम कब अस्तित्व में आया। तो पूर्व के नाम की बात करें तो इसका नाम लकाद्वीप, मेनिकाय और अमीनी द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि 1973 में बात करें तो 1973 में वर्तमान नाम इसका लक्षद्वीप पड़ा था। कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है इसका विस्तार, जो लक्षद्वीप है इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों पड़ता है अरब सागर में। ये जो लक्षद्वीप है इसका टोटल क्षेत्रफल एरिया कितना है दोस्तों, तो यह जो है 32 किलोमीटर वर्ग में इसका जो है क्षेत्रफल पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल दोस्तों जो है 36 द्वीप आते हैं इसके अंतर्गत, जो है लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसमें जो है 550 से अधिक द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। तो 36 द्वीप आपके पड़ते हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। 9 डिग्री चैनल की बात करें, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों, तो यह जो है मेनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लक्षद्वीप के बारे में जाना। और लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप की बात करें कि लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एक द्वीप है एंड्रॉयड द्वीप। एंड्रॉयड द्वीप की बात करें तो यह जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों पड़ता है आपका मेनिकाय द्वीप। मेनिकाय द्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है लक्ष समूह का। चलिए मैप में देख लेते हैं कि जो है आपका एंड्रॉयड द्वीप कहाँ पे पड़ता है। तो एंड्रॉयड द्वीप दोस्तों यहाँ पे सुहेली द्वीप के पास पड़ता है आपका एंड्रॉयड द्वीप, ठीक है। और मेनिकाय द्वीप आपको यहाँ पे पड़ता है। और एक चैनल के बारे में और ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की अगर हम लोग बात करें तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों आपका पड़ता है मालदीव को, मेनिकाय द्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। यह भी पड़ता है अरब सागर में, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अरब सागर के कुछ अन्य द्वीपों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और कहाँ कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक महत्वपूर्ण द्वीप जिसे हम लोग द्वीप के नाम से जानते हैं, यहाँ भी गुजरात के काठियावाड़ तक के निकट पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, द्वीपों को देख रहे हैं अरब सागर में जो द्वीप है उनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एलिफेंटा द्वीप की बात करें तो एलिफेंटा द्वीप जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ मुंबई के निकट पड़ता है। यहाँ पे उत्तर जो मुंबई द्वीप, मुंबई का द्वीप है सालसेट द्वीप, उसके जो है उत्तर में एलिफेंटा द्वीप पड़ता है। यह गेटवे ऑफ इंडिया से जो है 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मुंबई की बात करें तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पे पड़ता है, यह भी जो है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यह कई बार पूछा गया है प्रश्न के रूप में कि मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो यह जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह जो है भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जो है मुंबई को हम लोग जानते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ अरब सागर के अन्य द्वीपों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे पिरम द्वीप। पिरम द्वीप की बात करें तो यह खंभात की खाड़ी में पड़ता है। खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो गुजरात और जो है महाराष्ट्र के बीच वाला जो एरिया है यहाँ का, इसे हम लोग खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कच्छ की खाड़ी के रूप में जानते हैं, कच्छ के रन के रूप में जानते हैं। तो खंभात की खाड़ी में पड़ता है पिरम द्वीप। उसके बाद एक और अन्य द्वीप पड़ता है भैसला द्वीप।
भैसला द्वीप की बात करें तो यह काठियावाड़ तट में यहाँ पे दीव के निकट जो है पड़ता है भैसला द्वीप, या जो है काठियावाड़ तट के निकट पड़ता है। और कुछ अन्य द्वीप की बात करें, जो अन्य द्वीप है जैसे आपका दीव हो गया, बैदा हो गया, नोरा हो गया, उसके बाद तीर्थन हो गया, करुणभार हो गया, ये सभी जो द्वीप है ये कच्छ के तट पर स्थित है, ठीक है। और एक अन्य एक महत्वपूर्ण द्वीप है, दो महत्वपूर्ण द्वीप है जो जिसे हम लोग दोस्तों आलिया बेट और खालिया बेट के नाम से जानते हैं, यह जो है नर्मदा और तापी के मुहाने पर पड़ता है। आप सभी जानते होंगे कि नर्मदा और तापी नदियां जो है कहाँ बहती हैं, तो नर्मदा नदी जो है मालवा के पठार, यहाँ से मालवा के पठार नहीं दोस्तों, यह जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और तापी भी उसी के समीप निकलती है, अमरकंटक के पठार के आसपास से ये दोनों नदियां निकलती हैं और खंभात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो इन्हीं के मुहाने पर दो महत्वपूर्ण द्वीप है आलिया बेट और खालिया बेट द्वीप, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए लक्षद्वीप के कुछ अन्य द्वीप के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे आपका बित्रा द्वीप हो गया, बित्रा द्वीप यह भी जो है लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, अमीनी द्वीप भी जो है लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, और पित्ती द्वीप भी यह भी जो है लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड्रोइड द्वीप आप लोग जानते होंगे, एंड्रोइड द्वीप या एंड्रॉइड द्वीप यह जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ अन्य और द्वीपों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें है आपका भुचर करंजा क्रास द्वीप, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो दोस्तों यहाँ सालसेट द्वीप जो मुंबई है उसी के निकट जो है अवस्थित है ये भुचर द्वीप, करंजा द्वीप और क्रास द्वीप। अन्य द्वीप की बात करें जो दोस्तों कर्नाटक के तट पर है, उन द्वीपों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका भटकल द्वीप पड़ता है, उसके बाद पिजन कॉक द्वीप पड़ता है, और सेंट मेरी द्वीप पड़ता है। ये द्वीप जो है आपके मंगलौर के निकट यानी कर्नाटक में कर्नाटक के समीप यानी कर्नाटक के तट के पास पड़ते हैं। कर्नाटक के तट के तट को किस नाम से जानते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जो है भारत के तटीय क्षेत्रों को लेकर, तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आप लोगों को भारत के तटीय राज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बाद जो है भारत के किस तट को किस नाम से जानते हैं इसकी भी जानकारी वहां से मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना अरब सागर में उपस्थित जितने भी द्वीप थे उन सभी द्वीपों के बारे में जाना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।